सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडेंस देने वाले लोग कम होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर करियर, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो उनसे आप लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फ़ोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फ़ोन कर करके पूछते रहेंगे। और कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुइसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वो मन हल्का कर लें तो वो बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे देश भर के लोगों को कि वो भी मेंटोर बने। जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूँ। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है, उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं है कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आई फील ब्लेस्ड कि आज अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद सर, मनीष सर एंड राघव भाई, दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं और हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएँ। सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा, तो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है।